गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के ग्रेट एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक आप जो है सोलर सिस्टम के सेकंड प्लैनेट्स यानी हम लोग जो है वीनस के बारे में पढ़ेंगे, वीनस यानी शुक्र के बारे में। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और जैसा कि हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे, सपोज दैट दिस प्लैनेट इज वीनस, ये आपका वीनस प्लैनेट है। अगर हम बात करते हैं नियरेस्ट की बात करते हैं, तो वीनस जो है यानी शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, वो आपका शुक्र है। अब शुक्र को क्या कहा जाता है, शुक्र को जुड़वा ग्रह क्या कहा जाता है, यानी ट्विन प्लेनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है आपके जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो यह सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, यानी सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है और इवनिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो है यूरोप के लोग इसे सौंदर्य की देवी के नाम से जो है इनकी पूजा करते थे। प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में यूरोप के लोग जो है शुक्र को जो है सौंदर्य की देवी के नाम से जो है पूजा किया करते थे। तीसरी एक बात और एक चीज है, रोटेशन अपोजिट ऑफ द अर्थ। अगर हम वीनस के रोटेशन की बात करते हैं तो वीनस जो है पृथ्वी के अगेंस्ट में जो है रोटेट करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और ये जो है शुक्र है जो है यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसी कारण यहाँ पर जो है सूर्य जो है पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देता है। रोटेशन में इसको जो है शुक्र को जो है रोटेशन करने में जो है 243 दिन का समय लगता है, यानी शुक्र को अपनी धुरी पर घूमने में जो है 243 दिन का समय लगता है और सूर्य के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में इसको 225 दिन का समय लगता है। अगर हम इसके टिल्टेड की बात करते हैं तो शुक्र जो है 3 डिग्री क्या है, सन की तरफ टिल्टेड है, 3 डिग्री सन की तरफ टिल्टेड है। अगर इसके हम डायमीटर की बात करते हैं तो जो शुक्र का जो डायमीटर है वह आपका जो है 12104 किलोमीटर, यह इसका डायमीटर है। शुक्र का डायमीटर कितना है 12000, यानी व्यास जिसको कह सकते हैं 12104 किलोमीटर जो है यह शुक्र का क्या है आपका व्यास है। और शुक्र का कोई भी जो है सैटेलाइट नहीं है, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तीसरी ये बात करते हैं इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो यह जो है पृथ्वी की डेंसिटी का जो है 15 गुना क्या है डेंसिटी घनत्व है, यानी कि जो शुक्र का घनत्व है वह पृथ्वी के घनत्व का जो है 15 गुना है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो शुक्र के एटमॉस्फेयर पर 90 डिग्री जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और गैसेस पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस की भी कुछ मात्रा क्या होती है पाई जाती है इसके एटमॉस्फेयर में। इसको सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर इसके सतह का टेम्परेचर की बात करते हैं, सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम ये हो गया आपका डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो वह है आपका 10.82 यानी 10.82 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से शुक्र की दूरी जो है वह 10.82 करोड़ किलोमीटर है। ओके गाइस, तो ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जैसा कि अभी हमने बताया आपको जो है कि शुक्र के बारे में, शुक्र आपका सेकंड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और यह सबसे पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, इसको ट्विन प्लेनेट्स के नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग जुड़वा ग्रह कहते हैं। और ये जो है जैसा इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम वीनस की जो है डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर जो है 12104 किलोमीटर है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसके एटमॉस्फेयर में 90% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और सरफेस का जो टेम्परेचर है वह 500 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात, सूर्य से जो है वीनस शुक्र की दूरी की बात करते हैं तो 10.82 करोड़ किलोमीटर है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं रोटेशन की बात करते हैं तो शुक्र को रोटेशन करने में 243 दिन का समय लगता है और रिवोल्यूशन करने में जो है इसको 225 दिन का समय लगता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।